तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जेट एयरवेज के बारे में, जो कि एक एयरलाइंस कंपनी है, ठीक है। और इसका अभी जो न्यूज चल रहा है अभी, और इसके वजह से शेयर में तेज़ी आ रहा है। और आज देखिए, इसमें 4% की तेज़ी है, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी न्यू व्यूअर हो, चैनल को थोड़ा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं इसके चार्ट पे जीरोधा, ठीक है, और देखते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इसका चार्ट पे। देखिए, शेयर आज 73 पे ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ 78 पे, ठीक है, जो कि आज 4% तकरीबन हुआ है, ठीक है। और देखिए, इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, इसका जो नीचे का सपोर्ट है 65.80, ठीक है। और ये इसका जो अभी ये इसको नहीं तोड़ा, ठीक है, तो अभी ये ऊपर की ओर मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, 70 के बाद रहेगा 80 और इसका रहेगा फिर 92। ये क्रॉस कर लेगा तो 92, तो फिर ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा 132, फिर से ये 132 पे चला जाएगा। तो अब इसका चार्ट देखिए, मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इसका हम डिटेल्स देखेंगे, मार्केट कैप क्या है, इसका डेप्थ क्या है, क्या नहीं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, अभी कितना प्रमोटर है, FIS का क्या है, DIS का क्या है, पब्लिक कितना इसमें हिस्सेदारी है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप अभी मौका है, थोड़ा शेयर खरीद लो, क्योंकि शेयर अभी मूवमेंट करने लगा है, और मूवमेंट आके ही करेगा, क्योंकि इसका जो बड़ा डील जो होने वाला है, मतलब आपका जो इसको ये कंपनी को ख़रीदने वाला है, इसका भी न्यूज आ रहा है। तो मैं आपको आज वो भी बताऊंगा, और इसका भी डिटेल्स आज शेयर का भी आपको बताऊंगा, कितना इसका मूवमेंट करेगा, ठीक है। और चलो देखते हैं इसका मार्केट कैप क्या है, डिटेल्स चलो जानते हैं, इसका शेयर के बारे में चलो जानते हैं। चलो तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इसके स्क्रीनर पे, आज देखते हैं इसका डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है, जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। द कंपनी कमेंस इन ऑपरेशन ऑन 5 May 1993। द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कंप्रोमाइज शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन व्हिच इंक्लूड कैरिज ऑफ द पैसेंजर एंड कार्गो एंड प्रोविजन ऑफ रिलेटेड एलिट सर्विसेज। तो ठीक है, इसका देख लिए, यहाँ पर बोल रहा है मार्केट कैप 866 करोड़ का है, करंट प्राइस है 72.2 और लो गया था 23.5, हाई गया था 170। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़, फेस वैल्यू भी ज़बरदस्त है, ठीक है। और इसका जो ऑल टाइम हाई देखते हैं, मैक्सिमम हाई कितना गया था, शेयर में देखिए, इसका ऑल टाइम है 1200 कॉस्ट चुका है, मतलब 1300 के ऊपर गया, 1400 आसपास इसका जो शेयर गया था, 1400 आसपास गया था। मान लो इसके ये कितना गिरावट हो, मतलब गिर चुका है, देखिए 1400 आसपास इसका शेयर गया था, ठीक है। और इसका देखते हैं डिटेल्स और जानते हैं फिर इसका, देखिए इसका क्वार्टर रिजल्ट जून 2018 में, इसका देखिए 6010 का इसका सेल हुआ था, -1323 का इसका लॉस हुआ, ठीक है। और इसका कंटिन्यूस लॉस हुआ जून 2020 तक, मतलब जून 2018 से जून 2020 तक कंटिन्यूसली शेयर में लॉस आया, ठीक है। इस पर लॉस आके -153 जून में 153 करोड़ का लॉस आया, ठीक है, जून में। सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट आया 152 करोड़ का, और इसका दिसंबर में 2020 में इसका -44,
करोड़ का लॉस आया। फिर मार्च में 2020 में माइनस 107 का लॉस, फिर जून में माइनस 129 का लॉस। मतलब पिछला जो लॉस हुआ है इसका ये लॉस मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कंपनी सर्वाइव कर रहा है और इसका खरीदने वाला भी बिल्डर आ गया है, ठीक है। तो कंपनी अभी मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो नेट बैलेंस शीट देखते हैं, इसका टोटल एसेट है अभी करेंटली 6191 है टोटल करंट एसेट। और इसका कैश फ्लो है अभी देखिए पॉजिटिव में आ गया, नेट कैश फ्लो माइनस 272 करोड़ था मार्च 2010 में, अभी मार्च 2021 में 113 करोड़, मतलब पॉजिटिव में कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास अभी कंपनी चलाने के लिए। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर 51.0 था, मतलब 51% था, अभी गिर के जून 2021 में 24.99%, 50% करीबन हो गया, ठीक है। और FIS का 3.64 था, अभी 0.21 है, इसका भी गिर गया बहुत। DIS का 5.87 था, 28.15, मतलब अभी DIS का जो है इसका बढ़ा है। और पब्लिक का 39.49 था, अभी 46.65 DIS और पब्लिक का इसका ग्रोथ हुआ है। तो फ्रेंड्स का देख चुके हैं आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर अभी क्यों कंपनी भी ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे और इन्वेस्टर भी आ रहा है इसका जो इसको खरीदने वाला है। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय। जो भी न्यू व्यूअर हो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय।